हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरे कुछ दिनों से एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मैं अपने डेली ब्लॉग्स या वीडियोस आपको नहीं शेयर कर पा रही थी, लेकिन आज मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि आपको पहले सबसे अपना वीडियो शेयर करूं। जो मैं पिछले ब्लॉग में बंजारा मार्केट गई थी, मैं किसी काम से गुड़गांव गई थी, वहाँ पर फिर मैं बंजारा मार्केट गई, तो वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ किया है, तो मैंने सोचा वो चीज़ें आपको दिखाऊं कि मैं वहाँ से क्या चीज़ लेके आई हूँ। आप मानिए तो बंजारा मार्केट एक अच्छा, हाँ मतलब होम डेकोर से या होम से रिलेटेड अच्छा मार्केट है। आप वहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ों को परचेज कर सकते हैं और बिल्कुल ही कम रेट में, बिल्कुल ही चीप रेट में आप चीज़ों को वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो अगर आपके आसपास है कहीं बंजारा मार्केट, तो आप ज़रूर एक बार वहाँ पर जाइए, विज़िट करिए और देखिए कि आप वहाँ से क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। तो फ्रेंड, जो मैं लेके आई हूँ, आइए आपको वो दिखाती हूँ। बहुत बड़े स्केल में बंजारा मार्केट था वहाँ पे, ये गुड़गांव के सेक्टर 62 में था, और वहाँ पे बहुत बड़े स्केल पे ये लगा हुआ था मार्केट, और हर तरीके की, हर वेराइटी की चीज़ वहाँ पर मिल रहे थे जो आपके घर में यूज़ हो सकते हैं। तो फ्रेंड, आइए मैं भी दिखाती हूँ कि जो मैं गई थी बंजारा मार्केट, वहाँ से मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहली चीज़ मैं ये एक सेरेमिक के जार लेके आई हूँ, इस तरीके का। ऑलरेडी मेरे पास चार ये पहले से था, इस तरीके के नहीं, थोड़े दूसरे डिज़ाइन के मेरे पास था। इस बार बंजारा मार्केट में मैंने ये डिज़ाइन देखा तो मुझे बहुत पसंद आया, कुछ डिफरेंट टाइप का लगा, तो इस तरीके के जार मैं दो लेके आई हूँ। और फ्रेंड, इसका डिज़ाइन देखिए, कितना सुंदर सा इसमें उभरा हुआ कुछ डिज़ाइन बना हुआ है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस तरीके ट्रेडिशनल लुक ला रहा है ये, और बिल्कुल ये वाइट कलर में थे, कई कलर में थे ये, मुझे वाइट कलर पसंद आया तो मैंने वाइट कलर के ये दो जार लिए हैं। फ्रेंड, ये देखिए, इस तरीके के मैंने दो जार लिए हुए हैं। ये मुझे वहाँ पर केवल समझिए 300 के टू पीस मिले, मतलब कि 150 के मुझे एक पीस ये वहाँ से परचेज़ हुआ। और देखिए फ्रेंड, इसकी अगर लीड देखें तो बहुत ही अच्छे क्वालिटी की और थिक क्वालिटी की है, बिल्कुल इसको कवर कर रही है एकदम प्रॉपर तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, और काफ़ी स्पेस भी है। आई थिंक ये 500 ग्राम्स का होगा ये, तो इसमें अच्छे क्वान्टिटी में सामान आ सकता है। तो आप चाहें तो इसे बंजारा मार्केट से परचेस कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन इसे देखेंगे तो ये काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। आई थिंक वन पीस शायद तो 400 समथिंग का कुछ पड़ता है, बट बंजारा मार्केट में बहुत ही कम रेट में मुझे 150 में वन पीस ये पड़ा। मुझे दोनों पीस मिले 300 में, मुझे दोनों पीस ये। तो फ्रेंड, ये दोनों पीस मुझे 300 में वहाँ पे मिल गए। इसका भी लीड इस तरीके से है, ये देखिए, और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग वर्क है। बिल्कुल ही इसमें, बिल्कुल भी इसमें ऐसा भी नहीं है कि ये खुरदुरा सा महसूस हो, बिल्कुल स्मूथ इसमें डिज़ाइन बने हुए हैं। और इसके साथ मैंने फ्रेंड, इसी के साथ मैंने ये छोटे छोटे से बाउल लिए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से ये बाउल हैं, जो मैंने कितना चार पीस लिया है, नहीं आई थिंक थ्री पीस लिया हुआ है। 300 रुपए के 6 पीस बता रहे थे, बट मुझे ज़्यादा नीड नहीं थी इसलिए मैंने 3 पीस ही लिया इसके, ये बाउल के, ये छोटे छोटे बिल्कुल बहुत सेरेमिक के ही हैं, बहुत ही सुंदर और क्यूट से बिल्कुल हैं ये। ये तीन के सेट, आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कभी गेस्ट आए तो चटनी के लिए सर्व कर सकते हैं, या अपने डेली यूज़ में कुछ बना रहे हैं या कुछ रेसिपी शेयर कर रहे हैं तो उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बंजारा मार्केट आई थिंक 3 बार ही गई हूँ अभी तलक में। मैं यहाँ से काफ़ी सालों से हूँ, बट मैं अभी तलक 3 बार गई हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने तीनों बार में जो जो भी कलेक्शन आपके ले आई हूँ, मैं आज वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड, सब वीडियोस आपके साथ, सारी चीज़ें जो जो मैं बंजारा मार्केट से लाई हूँ वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले फ्रेंड, जो मैं अभी रिसेंट में जो अभी गई थी बंजारा मार्केट, वहाँ से मैंने जो भी परचेज़ किया, मैं पहले सबसे पहले आपको वो दिखा रही हूँ, उसके पिछले जो गई थी मैं उसको आपको बाद में दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने एक ये वुडन का ये लिया फ्रेंड्स, जिसमें 1/4 स्पेसेस है, चाहे आप इसको स्पून के रखने के यूज़ में या फिर पेन स्टैंड के रूप में इसे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड, ये वुडन का है, काफ़ी अच्छा मटेरियल है ये,
वहाँ के मानते हैं कि फिनिशिंग अच्छी नहीं होती, मतलब साइनिंग नहीं होती, बट फिनिशिंग बहुत ही अच्छी होती है वहाँ के क्वालिटी में। फ्रेंड्स ये वुडन का है, अगर इसमें हम पॉलिश कर देंगे तो ये बहुत ही सुंदर और फिनिशिंग इसमें साइनिंग आ जाएगा, बट इसके वर्क बहुत ही सुंदर होते हैं। फ्रेंड्स देखिए ये पास मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छे थे फ्रेंड ये वहाँ पे मुझे आई थिंक 150 के ये मुझे वहाँ पे मिला, और काफ़ी अच्छे रेट पे ये वो लोग दे देते हैं फ्रेंड्स, बस आपको बार्गेनिंग की ज़रूरत है तो उन लोग अच्छे रेट पे आपको ये सब दे देंगे। तो ये मुझे 150 में वहाँ पे ये चीज़ मिला, इसको चाहे आप किचन में प्लेस कर दो या कहीं भी यूज़फुल चीज़ें इसमें रख सकते हैं। इस तरीके का ये एक होल्डर टाइप का है, ये देखिए फ्रेंड्स इधर ऐसे देखें। तो फ्रेंड इसमें चार पार्टीशन किए गए हुए हैं, चाहे आप किसी भी यूज़ में इसे रख सकते हैं। ये देखिए ये बहुत ही सुंदर पीस लग रहा है, और इसके पीछे से भी देखिए फ्रेंड बहुत अच्छी फिनिशिंग बनी हुई है। और नेक्स्ट फ्रेंड मैं एक ये चॉपिंग बोर्ड लेके आई हूँ राउंड शेप का, काफ़ी अच्छे क्वालिटी का, बहुत ही चिकना बहुत ही स्मूथ है ये चॉपिंग बोर्ड, और काफ़ी अच्छे रेट में ये मुझे मिल गया। इसमें हैंग करने के लिए एक ये डोरी दी बनी हुई है, थ्रेड का बना हुआ है ये, चाहे आप इसे यूज़ करें चाहे इसे हटा दें, लेकिन ये काफ़ी अच्छे ही क्वालिटी का राउंड शेप में है। ये मुझे केवल अगर आप ऑनलाइन इसे परचेज़ करेंगे तो शायद कुछ कॉस्टली पड़े, ये मुझे पता नहीं है क्या रेट पड़ेगा, लेकिन बट ऑनलाइन ये कॉस्टली ही पड़ेगा, लेकिन ये बंजारा मार्केट से मुझे बहुत ही अच्छे रेट में ओनली केवल 100 रुपीज़ में मुझे ये चॉपिंग बोर्ड मिल गया, और ये राउंड शेप में और काफ़ी बड़ा है, यूज़फुल है, तो ये मुझे वहाँ पर 100 रुपीज़ में मिल गया। तो फ्रेंड जो मैं इस बार गई बंजारा मार्केट वो आपको बताती हूँ कि मैं पिछले दो बार से गई थी तो मैं ये चीज़ मतलब हर बार सोचती थी कि मैं ये लूँगी बट मैं ले नहीं पाती थी, क्योंकि मेरा सामान बहुत ज़्यादा हो जाता था तो मैं इसे हमेशा छोड़ के चली आती थी, सब छोटे छोटे सामान ले लेती थी तो इसे मैं छोड़ देती थी। लेकिन इस बार मैं फाइनली गई और अपना ये पसंद का चीज़ लेके आई हूँ जो मुझे बहुत ही पसंद है। मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं इसे खरीदूँ, मैं इसे परचेज़ करूँ, बट मैं नहीं खरीद पा रही थी, लेकिन इस बार मैं इसे लेके आई हूँ जो आपके साथ दिखाती हूँ, जो मेरा बहुत ही सुंदर पीस है फ्रेंड। ये देखिए मिरर, इस तरीके का ये मिरर फ्रेंड्स, ये मैं हर बार सोचती थी कि मैं लेके इसको खरीदूं, लेकिन मैं ये ख़रीद नहीं पाती थी फ्रेंड, इस बार मैंने इसे फाइनली ख़रीद लिया। ये फ्रेंड ये कई शेप में आते हैं फ्रेंड, ये समझ लीजिए कि ये राउंड शेप में भी थे और स्क्वायर शेप में भी थे, और इसके डिज़ाइन कुछ अलग तरीके भी के भी थे, बट मैंने स्क्वायर शेप में परचेज़ किया, और ये बिल्कुल जैसे एक लॉग होता है ना लकड़ी का टुकड़ा, उस शेप में इसके बॉर्डर में डिज़ाइन बनी है ऐसे लॉग टाइप, बहुत ही स्मूथ फिनिशिंग है इसकी, बहुत ही स्मूथ फिनिशिंग है, बहुत ही क्लियर इसके डिज़ाइंस हैं, और फ्रंट बीच में इसके मिरर लगा हुआ है और इसके चारों तरफ ये बॉर्डर लगा हुआ है। काफ़ी बड़े में है फ्रेंड, मैं इसको जब हैंग करूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। ये इस तरीके का मैं पास से दिखाती हूँ, ये देखिए फ्रेंड ये बहुत ही सुंदर पीस है। मैं हर बार सोचती थी जाऊं इसे लूं बट मैं ले नहीं पाती थी, लेकिन इस बार मैं इसे परचेस करके ले आई। तो फ्रेंड अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसको भी लाइक ज़रूर करते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। फ्रेंड अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं हुई, मैं और दिखाती हूँ कि जब मैं पिछले बार मैं इसके पिछले जब मैं बंजारा मार्केट गई थी तो वहाँ से मैं क्या क्या लेके आई थी, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये मैं एक ये बिल्कुल लालटेन के शेप का ये एक बंजारा मार्केट से मैं लेके आई थी, ओनली 200 रुपीज़ में मुझे ये वहाँ पे मिल गया था, नहीं 250 में आई थिंक ये मुझे वहाँ पे मिल गया था, जो कि बहुत ही अच्छे मेटल के मेटल है, वाइट मेटल है ये फ्रेंड, मेटल के मटेरियल से बना हुआ है और ये ग्लास लगा हुआ है बिल्कुल अच्छा, इसके अंदर आप कैंडल होल्डर कुछ भी रख के आप इसे या लाइटिंग के जो फेरी लाइट आती है वो रख के इसे डेकोर कर सकते हैं, और इसमें एक सुंदर सा ये हैंडल बना हुआ है। और फिर फ्रेंड इसके बाद मैं जो बंजारा मार्केट से लेके आई हूँ ये है फ्रेंड दो वुडन के कैंडल होल्डर जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है। इसको देखे फ्रेंड, ये मैंने पहले आया था तो इसमें साइनिंग नहीं था, फिर इसमें मैंने पॉलिश किया तो ये बिल्कुल साइन कर रहा है ये, अब देखे
तो आप ऐसी वहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं रखे रखे उसकी साइनिंग ख़त्म हो जाती है, तो आप घर पे ले आके कोई भी पॉलिश का एक डिब्बा आता है आप उसे मार्केट से परचेज करके इस तरीके का आप साइनिंग अपने उस चीज़ों पे ला सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इसमें साइनिंग और साइनिंग आ जाती है जो आपके यूज़ में अच्छा होता है। और फ्रेंड्स ये मैंने लिया एक ये बॉक्स लिया था वुडन का, जैसे मैंने ये वाला चीज़ देखी। देखिए फ्रेंड्स ये देखें आप अगर इसे देखेंगे तो पहले ये बॉक्स भी इसी तरीके का था, जिस तरीके का ये दिख रहा है ना इसी तरीके का ये भी था, बट मैंने इस पर पॉलिश किया तो इसका कलर बिल्कुल ही चेंज हो गया और इसमें बहुत ही अच्छी साइनिंग आ गई। इसी तरीके से मैं इसमें भी पॉलिश कर दूंगी तो इसमें भी अच्छी सी एक साइनिंग आ जाएगी। जब मैं इसे पॉलिश करूंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी फ्रेंड कि इसके पॉलिश करने पे इसकी कैसे इसमें चमक आ गई। और ये देखिए फ्रेंड इसमें काफ़ी अच्छा वर्क बना हुआ है। ये मैंने एक ये वहाँ से परचेस किया। और मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ फ्रेंड्स, वहाँ से मैंने कुछ दरियाँ खरीदी, मैं इसके पिछले जब गई थी तो मैं वहाँ से कुछ दरी खरीदी थी और ये कुछ सेरेमिक के पॉट खरीदे थे। ये देखिए बिल्कुल ही सुंदर कैन के स्टाइल में, ये बिल्कुल एकदम बहुत ही स्मूथ फिनिशिंग का मैंने एक ये पॉट और फ्रेंड्स एक ये डोनाल्ड वाले ये पॉट खरीदे थे। देखिए अगर आप इसे ऑनलाइन देखेंगे फ्रेंड्स तो ये काफ़ी कॉस्टली है, या आई थिंक 700 के या 800 के समथिंग पड़ेगा, बट ये बंजारा मार्केट में मुझे 300 का, ओनली 300 का ये मुझे मिला और ये मुझे 100 रुपीज़ में मिला। तो इस तरीके से मैंने ये दोनों चीज़ें परचेज़ की फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे रेट में एकदम बिल्कुल अच्छे क्वालिटी में आपको वहाँ पर चीज़ें मिल सकती हैं। फिर फ्रेंड्स मैं वहाँ से बहुत सारी दरियाँ कालीन और थ्रो खरीद के लेके आई थी पिछले वीडियो में जो आपको मैं दिखाती हूँ। मेरे को वाइट ब्लैक ऐसे लाइट कलर मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने एक ये दरी खरीदा बिल्कुल ही लाइट कलर में है, ये बिल्कुल इस तरीके देखिए फ्रेंड मैक्रेन का वर्क बना हुआ है, इसमें काफ़ी सुंदर डिज़ाइन बना हुआ है। ये 2x5 का है, ये देखिए फ्रेंड इस कितना इसमें अच्छा स्मूथ ये डिज़ाइन बना हुआ है, ये इस तरीके का। तो ये आई थिंक 2x5 का ये एक ये दरी लिया फ्रेंड्स, और मैंने एक ये दरी लिया जो कि ब्लैक एंड वाइट का है फ्रेंड, और इसमें ये शायद 3x6 का है, 3x6 ही का है ये, और इसमें ब्लैक कलर के थ्रेड से धागों से ये बना हुआ है, इसमें ब्लैक कलर के धागों, ये पूरा ही धागों से ही शायद बना हुआ है दरी, और इसमें ब्लैक कलर का जो थ्रेड देख रहे हैं उससे कढ़ाई की हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर लग रहा है, आगे का ये इस तरीके का डिज़ाइन है, ये देखिए फ्रेंड ये देख इस तरीके का डिज़ाइन है। अगर आप इसे पीछे से देखेंगे तो ये इस तरीके से है पीछे का, आप चाहे आगे से भी बिछा सकते हैं और पीछे से भी बिछा सकते हैं। तो ये देखिए इसमें इस तरीके के थ्रेड से बने हुए हैं, ये बहुत ही डिसेंट सा लुक आता है, बहुत ही सुंदर इसका लुक आता है फ्रेंड्स। जब मैं इसे बिछाती हूँ तो काफ़ी सुंदर लुक आता है, वाइट है बट लेकिन आप अपने घर में अगर वाइट कलर की कोई भी चीज़ रखते हैं वो अच्छी ही लगती है हमेशा। और फ्रेंड्स ये एक थ्रो है ब्लैक एंड वाइट का, ये देखिए ये ब्लैक एंड वाइट कलर का थ्रो है फ्रेंड्स, ये इस तरीके का बीच में प्लेन है बिल्कुल, और ये किनारे किनारे इसमें ब्लैक कलर का वाइट कलर का ब्लैक एंड वाइट कलर का इस तरीके का डिज़ाइन बना हुआ है, बिल्कुल ही बहुत ही सुंदर है, और इसके पीछे में इस तरीके से दिख रहा है। तो एक ये फ्रेंड्स और एक ये थ्रो, ये चारों चीज़ें जो मैंने दो दो चीज़ें दरियाँ और ये दो दो थ्रो दिखाया, ये मुझे ओनली 1600 में वहाँ पे, मैंने एक ही शॉप से ये सब चीज़ें परचेस किया और सब मुझे 1600 में ये सब पड़ा वहाँ पे। देखिए ये इस तरीके का है, ब्लैक एंड वाइट ही कलर का लिया है मैंने, क्योंकि मुझे ना कुछ दूसरा कलर अगर मैं देखूँ तो मुझे ना समझ में ही नहीं आता, मुझे पसंद ही नहीं आता, फिर मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद अगर मैं अपने ले भी लेती हूँ तो कुछ दिनों बाद वो मुझे डल सा दिखने लगेगा, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखेगा,
इस वजह से फिर मैं अपने इसी पसंद पे चली आती हूँ, हमेशा वाइट पे ही चली आती हूँ, क्योंकि वाइट तो कलर ऐसा है कि मैं उस पर कोई भी कलर या डार्क कलर या कोई भी कलर का कुछ भी लगाऊँ तो वो अच्छा ही लगेगा। इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ वाइट कलर पे, कि वाइट कलर पे कुछ भी लगाओ वो अच्छा ही आता है। और एक थ्रो फ्रेंड इस तरीके का लिया मैंने, जिसमें बीच में इस तरीके का थ्रेड वर्क बना हुआ है, ब्लैक कलर के थ्रेड से ये वर्क बना हुआ है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। फिर इस तरीके के मैंने ये सारी चीज़ें 1600 में वहाँ से लिया था। फ्रेंड चीज़ें दिखाऊँ तो ये इस तरीके के ये ब्रास के कैंडल होल्डर है फ्रेंड्स, ये कैंडल होल्डर्स मैंने उसी बंजारा मार्केट से लिया था। ये मुझे आई थिंक ये कॉस्टली थोड़ा पड़ गया था, मुझे ऐसा लग रहा है, आप लोग बताइएगा कि इसका रेट क्या हो सकता है वहाँ पे। तो ये फ्रेंड्स मुझे तीन का सेट 1 पीस 100 रुपये का मिला था, मतलब 3 पीस लिया था मैंने तो वो 300 का मुझे ये कैंडल होल्डर पड़े थे वहाँ पे। तो एक मैंने यहाँ से ये परचेज़ किया था फ्रेंड्स। और देखूँ तो ये जो कैंडल होल्डर देख रहे हैं आप मेरे सेंटर टेबल पे, आपने देखा होगा मेरे लिविंग टूर वाले वीडियो पे, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके मेरा लिविंग टूर देखिए, वो बहुत ही सुंदर बहुत ही डिसेंट है। ये सारी चीज़ों का यूज़ मैंने अपने लिविंग रूम में किया है, तो अगर आप इसको लगाना चाहें, उसका आइडिया चाहें कि मैं इसे किस तरीके से अपने घर में लगा सकती हूँ, तो मेरे लिविंग रूम का टूर ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके के कैंडल्स फ्रेंड मैंने वहाँ बाजारा मार्केट से लिया है, ये 150 में मुझे 2 कैंडल मिले हैं, कैंडल होल्डर्स, कैंडल नहीं है, एक कैंडल तो मैंने अपने लोकल मार्केट से लिया, ये होल्डर फ्रेंड्स मैंने 150 में मुझे वहाँ से ये कैंडल होल्डर्स मिले हैं। तो फ्रेंड्स ये सब वीडियो मेरे ये सब का वीडियो मैंने अपने ब्लॉग्स में डाला हुआ है, अपने पुराने वीडियोस में डाले हुए हैं कि मैंने इसको कैसे यूज़ किया है और कहाँ यूज़ किया है। तो आप प्लीज़ अगर मेरे पिछले ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो आप जाके उसे देखिएगा कि मैंने ये चीज़ों को कैसे यूज़ किया हुआ है। और फ्रेंड्स ये देखिए, एक मैंने यहाँ वहाँ के ट्रे लिया हुआ है वहाँ से, ये कुछ डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए काफ़ी अच्छे फिनिशिंग में। इसका भी कलर फ्रेंड्स सेम इस तरीके का था, बट मैंने इसको पॉलिश किया तो इसका ये लुक आया, ये इस तरीके शाइनिंग लुक आ गई बिल्कुल, ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल शाइनिंग आ रहा है। तो ये रहा मेरे कुछ बंजारा मार्केट के कलेक्शन फ्रेंड्स, अगर आपको ये कलेक्शन अच्छे लग रहे हों तो फ्रेंड्स आप ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स, आपके एक लाइक से और एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत अच्छा लगता है, हम सोचते हैं कि और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं आपके लिए, जो आपके लिए यूज़फुल हो फ्रेंड। तो अगर आप कुछ चीज़ें कम रेट में अपने घर के लिए डेकोर के लिए आप कुछ चीज़ें लेना चाहते हैं तो आप एक बार बंजारा मार्केट का ज़रूर विज़िट करिएगा, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें कम रेट में वहाँ आसानी से मिल सकेंगी। तो फ्रेंड्स आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा, मैं अपना नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेके आऊँगी। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके फ्रेंड्स बाय बाय।